क्लास बेटा आज वेनेसडे है और 9 तारीख है हमारे पास। आज हमने जो है वो मैथ कॉपी वर्क का काम करना है, जनरल नॉलेज का हमने पढ़ना है, नासा का पढ़ना है, इस्लामिक स्टडी का और पोएम, ये हमारा आज का काम है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मैथ की कॉपी वर्क पे काम। बेटा ये देखें, आज हमने मैथ कॉपी वर्क पे करना है काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट का मतलब होता है जो पिक्चर्स आपके पास बनी हुई हैं उनको आपने काउंट करना है और ब्लॉक्स में लिख देना है, गिन के लिखना है कितने हमारे पास यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट देखिए हमारा मैथ है इसीलिए हमने कोई और पिक्चर नहीं बनाई, हमने यहाँ पर शेप नेम्स सारे जो है ना वो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टार्स। ठीक है, ये कौन सी शेप हमारी बनी हुई है? स्टार्स की। ठीक है, ये शेप नेम है स्टार्स, इसको काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5। ये कितने स्टार्स हैं हमारे पास? 5। अब इधर बॉक्स में हमने क्या लिखना है? 5। ठीक है, ये बॉक्स में आपने 5 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास बना हुआ है ट्राइंगल शेप। ठीक है, ट्राइंगल शेप को हम काउंट करते हैं 1 2 3। कितने ट्राइंगल हैं? 3। अब हमने बॉक्स में लिख दिया 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बनी हुई है सर्कल की शेप। ठीक है, सर्कल की शेप को काउंट करते हैं 1 2। कितने सर्कल हमारे पास? 2। ये हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है रेक्टेंगल की शेप। ठीक है, ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप है, ये कितने हमारे पास? ओनली 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बने हुए हैं स्क्वेयर। स्क्वेयर कहते हैं डब्बे की शक्ल होती है स्क्वेयर, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये कितने स्क्वेयर्स हैं? 4। यहाँ पर हम बॉक्स में लिख देंगे 4। ये आज का आपका कॉपी वर्क का काम है। ठीक है, काउंट करने हैं, काउंट करने के बाद जितने नंबर्स हैं या जितनी पिक्चर्स बनी हुई है उसको आपने बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, विच इज आवर नेशनल एनिमल। हमारा कौमी जानवर कौन सा है? टाइगर। कौन सा है? टाइगर। टाइगर आप सब बच्चों ने देखा है ना, जू में होता है टाइगर। ठीक है, हमारा जो है कौमी जानवर कौन सा है? टाइगर, ये आपने याद करना है। इसके बाद हमारा है नाजरा का, हमने पढ़नी है सोने से पहले की दुआ। जब आप रात को सोते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाह मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये आपने रोज रात को मम्मा से याद करनी है और इसको पढ़ के सोना, फिर आपको याद हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में हमारे पास है पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। हम देखते हैं कि देखिए बुक मेरे पास है, बुक में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डू यू से व्हेन यू स्नीज। जब आपको छींक आती है तो आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसको याद करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है उर्दू की पोएम। बेटा उर्दू की पोएम में हमारे पास पोएम है आज लकड़ी की काठी। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है तोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा है तोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। बस ये आपने हाफ याद कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, ये आपका आज का काम है।